थैंक गॉड हम बच गए। मम्मा, क्या आपको लगता है कि ये इसने किया होगा? मेरा मतलब है शी लुक्स सो इनोसेंट। बस बेबी, मेरी बस एक बात याद रखना, फेस पे कभी मत जाना। ये लगती तो बड़ी इनोसेंट है, लेकिन तौबा तौबा, गॉड बचाए। मम्मा, अच्छा होता नगी ना मर जाती, मेरा वो काफला सिर्फ ही से रह जाता। नॉटी गर्ल। बस अब देखते हैं मेहताब उसको घर से कब निकालती है। बाल बाल बच गई है नगीना, वरना मेरे से आज जान छूट जाती। वैसे मेरा दिल कह रहा था ना उस सितारा को मैं गले से लगा लूं, बड़ा जिगरे वाला काम किया उसने। अरे खुशी तो मुझे भी बड़ी हो रही थी, लेकिन मैं क्या करती, नग्गो भाभी की मजबूरन साइडी लेनी पड़ गई। हाँ, लेकिन फुप्पू है ना, वो सितारा के साथ बहुत बुरा करेंगी। देखा नहीं था उनकी आंखों में कैसा खून उतरा हुआ था। हाँ तो ठीक ही तो करेंगी, इतने सालों पाला है उसे, इस दिन के लिए थोड़ी पाला था कि उन्हीं के रिश्तेदारों को टारगेट करे। मेरी बात सुनो, तुम ना अपनी आंखें और कान ना खुले रखना, समझ रही हो? ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। आ गए अपनी लाडली भांजी को दिलासे देकर कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं बता रही हूं आफताब साहब आपको, मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। महताब बेगम, आप मेरी वैसे भी कब सुनती हैं, खासतौर पे सितारा के मामले में। देखिए, मुझ पर इल्जाम लगाना बहुत आसान लगता है आपको, लेकिन उस मीसरी ने जो मेरी भतीजी को मारने की कोशिश की, वो उसने उसको मारने की कोशिश की या नहीं की, बगैर सबूत के मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, और ना ही मैं इसका इल्जाम सितारा पे धरने को तैयार हूँ। सितारा सितारा सितारा, सुकून बर्बाद कर दिया इस नाम ने मेरा, तंग आ गई हूँ मैं इस नाम से। एक काम करें, इस लड़की की सजा भी ना आप खुद ही तय कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि मैं ये लिहाज भी भुला दूं कि वो आपकी भांजी है। तो तुमने इस बात को याद कब रखा हुआ है? अब भुला दो, फिर भुला दो, और जो दिल करता है वो करो, समझी तुम?